बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर आदिल हियर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द लिपिन कोट व्हिच इज़ अबाउट द फाइबरस प्रोटीन्स। तो बेसिकली जो फाइबरस प्रोटीन्स हैं उसके दो कॉमन टाइप्स हैं, कोलेजन और इलास्टिन। हमने उनकी प्रिपरेशन देखनी है कि वो किस तरह से जो है वो बनती हैं, प्रिपेयर होती हैं। बोथ आर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स और यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन्स हैं एंड दे सर्व द स्ट्रक्चरल फंक्शंस इन द बॉडी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोलेजन और इलास्टिन जो हैं दे आर फाउंड एज अ कंपोनेंट ऑफ द स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड द स्क्लेरा एंड द कॉर्निया ऑफ द आईज। दीज आर सम ऑफ द साइट्स वेयर द कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स आर फाउंड। द नेक्स्ट इज ईच फाइबरस प्रोटीन एग्जिबिट्स अ स्पेशल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज resulting from its unique structure which are obtained by combining specific amino acids into regular secondary structural elements। ठीक है, यानी वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे पास हर जो फाइबरस प्रोटीन है उसका एक स्पेशल मैकेनिकल फंक्शन होता है, एक स्पेशल मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि किस से बनती है या वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसके पास किस की वजह से आती है। दिस इज़ ड्यू टू इट्स यूनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि हम कोलेजन की ही बात करें तो कोलेजन जो है वो हमारे पास अ वैरायटी ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स पड़ी हुई है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो यही बता रहा है कि हमारे पास हम बात कर रहे हैं कोलेजन के प्रोटीन की विच इज़ अबाउट, अभी तक हमें ये पता चला कि वो क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। ठीक है, जो कि आपके मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी पर ये कोलेजन जो होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। अब इसकी जो डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसके डिफरेंस इन स्ट्रक्चर की वजह से होगा। ठीक है, वो डिफरेंस इन स्ट्रक्चर जो है वो एक कंबाइनिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स की वजह से होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस की वजह से होगा, और फिर उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो होंगे उसके डिफरेंस की वजह से भी आएगा। यानी प्राइमरी लेवल पर डिफरेंस की वजह से भी आ सकता है, सेकेंडरी लेवल के डिफरेंस की भी वजह से भी आ सकता है, जो हम अभी पीछे पढ़ कर आए हैं। अच्छा जी, दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स हूज़ द शेप्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस बिटवीन द सेकेंडरी, टर्शियरी एंड समटाइम्स द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। वो यहाँ पे ये बता रहा है दिस इज़ द मेजर कंट्रास्ट बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स। नेक्स्ट, कोलेजन। कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट मोर देन 25% ऑफ द प्रोटीन मास इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब प्रोटीन के अंदर, बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का जो मैक्सिमम मतलब अबंडेंस है वो कोलेजन प्रोटीन की है, और उसने परसेंटेज भी बता दिया कि इट इज़ मोर देन 25% ऑफ द प्रोटीन मास इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा जी, टिपिकल कोलेजन जो है वो क्या है, लॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर है इन विच द 3 पॉलीपेप्टाइड्स नोन एज द अल्फा चेन्स आर वूंड अराउंड वन अनदर इन अ रोप लाइक ट्रिपल हेलिक्स। ठीक है, यानी इसमें उसने क्या बताया कि हमारे पास क्या होंगी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी विच आर नोन एज अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और ये तीनों जो हैं वो एक अपने एक एक्सिस के अराउंड जो होंगी वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगी विच इज़ नोन एज ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, रोप लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप रोप को कंसिडर करें, वहाँ पर भी उसके अंदर एक उस पूरी रोप के अंदर 3 to 4 जो होंगी वो, मतलब अगर आप सपोज करें कि वहाँ पे 3 to 4 हैं, तो आपने कंसीडर करना है कि कोलेजन के अंदर पड़ी हुई जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं दीज आर 3 इन नंबर, और वो क्या बना रही हैं, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, इस ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये विच ट्विस्ट टू द लेफ्ट रैप अराउंड वन अनदर इन द राइट हैंडेड फैशन टू फॉर्म द कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। आपका क्या है जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किस में बन रहा है, राइट हैंडेड फैशन में, और ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स रिजाइड 3.3 अमीनो एसिड्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है, दीज मॉलिक्यूल्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी बट देयर टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर डिक्टेटेड बाई द स्ट्रक्चरल रोल कोलेजन प्लेज इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, वो कह रहा है कि विदाउट एनी डाउट कोलेजन प्रोटीन की अबंडेंस है बॉडी के अंदर, लेकिन
अबंडेंस के बावजूद उसकी वैरायटी है उसके अंदर, उसकी टाइप्स के अंदर वैरायटी है, और टाइप और ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंस है, यानी बॉडी के किस पार्ट में कौन सी टाइप और किस तरह से वो कोलेजन जो है वो ऑर्गेनाइज हुई हुई है, वो उसका स्ट्रक्चरल रोल डिक्टेट करता है। यानी उस जगह पे जहाँ पे वो पड़ी हुई है उसने कौन सा स्ट्रक्चर परफॉर्म करना है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी टाइप और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वेरी करेगी फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ द बॉडी। आगे अपने उसने इसी बात के कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है। वो ये कहता है कि हमारे पास बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जहाँ पे कोलेजन जो होती है वो एक जेल लाइक मटेरियल के फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, और वो सपोर्ट करती है टू द स्ट्रक्चर सच एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई। मतलब इस जगह पे बॉडी के इस पार्ट में जो कोलेजन प्रोटीन है वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा एक और ही जगह पे, मतलब बॉडी के अंदर एक जगह पे कोलेजन जो है वो एक टाइट प्रॉपर्टी दे रही है। उसमें क्या है कि उसके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो एक इस अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इसकी टेंडन के अंदर हमारे पास जो कोलेजन के फाइबर्स होंगे वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर होंगे, और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर आएगा, मतलब वो उसको इन्हेंस कर रहा है। यानी अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास बॉडी में एक जगह कोलेजन ऐसी थी कि वो जेल लाइक अपीयरेंस दे रहा था, यानी सॉफ्ट टाइप चीज़ थी, ठीक है, और जबकि हम उसी के ऑपोजिट एंड पे जा रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी मतलब कोलेजिनस पोर्शन भी है जहाँ पे एक जो है वो हार्डनेस है और वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगेन फिर इस तरह से कि हमारे पास आई के अंदर कोलेजिन जो होंगे वो स्टैक्ड होंगे सो एज टू ट्रांसमिट लाइट विद द मिनिमम ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, ताकि कम से कम स्कैटरिंग हो। और जो बोन के कोलेजिन की बात करेंगे तो उसमें जो कोलेजिन के फाइबर्स होंगे वो एट सर्टेन एंगल अरेंज्ड होंगे, और उसकी सर्टेन एंगल पे अरेंजमेंट जो होगी वो मैकेनिकल शेयर की प्रॉपर्टी जो है वो उसको एड अप करेगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन प्रोटीन। अगर हम इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं, और जो हमारे पास इसका बेसिक यूनिट है जिसकी रेपिटेशन जो है वो रिजल्ट्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज द ग्लाइसिन एक्स वाई, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। पहला अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, एक्स की जगह पे प्रोलीन या लाइसिन हो सकता है, और वाई की जगह पे हाइड्रोक्सी प्रोलीन या लाइसिन होगा। यानी ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसकी रेपिटेशन जो होगी वो इसकी रेपिटेशन की वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनेगी। द नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा, राइट हैंडेड हेलिक्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप यहीं पर कंसीडर करें तो ये क्या है, स्क्रीन के इन एंड आउट जा रहा है, ये राइट हैंडेड है, ठीक है, क्लॉक वाइज है। अच्छा जी, हाँ जी, नेक्स्ट ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, टर्न ले रही है, स्पाइरल फॉर्म में जा रही है, और इसकी जो ट्विस्टिंग है अल्फा हेलिक्स जो बन रहा है, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और फिर हमारे पास इस तरह की तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होंगी वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर बना देंगे, विच इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन कोलेजन प्रोटीन। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द कोलेजन प्रोटीन की। तो हमने कहा कि हमारे पास ये एक जो है ना वो कोलेजन एक सुपर फैमिली ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर मोर देन 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोलेजन पड़ी हैं। यानी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कोलेजन की, अभी हम उसकी टाइप्स की बात नहीं कर रहे। हमने कहा कि हमारे पास मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन, लेकिन ये कोलेजन जो है वो डिफरेंट 25 टाइप्स की पड़ी हुई है बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, एज वेल एज द एडिशनल प्रोटीन्स दैट हैव
कॉलेजन लाइक डोमेन्स। अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है, थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और ये थ्री पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन्स जो होंगी दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और मतलब अगर आप इसके फाइनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे और हमारे पास डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी होंगे जो कि उसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। द नेक्स्ट इज वेरिएशंस इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अल्फा चेन्स रिजल्ट्स इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स दैट आर अबाउट द सेम साइज बट विथ स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हमने कहा कि हमारे पास वेराइटी ऑफ कोलेजन है तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास ये वेराइटी ऑफ कोलेजन जो है दिस इज ड्यू टू द स्लाइट चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अल्फा चेन की जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज होगा फ्रॉम ईच ऑफ द चेन, यानी हर चेन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से आपकी जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन का साइज होगा वो सेम होगा। मतलब लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन सेम होगी हर कोलेजन प्रोटीन के अंदर लेकिन जो उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होगा वो ऑल्टर कर सकता है और उसकी ऑल्टरेशन रिजल्ट्स इन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलेजन प्रोटीन। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो अल्फा चेन्स हैं दीज आर कंबाइंड टू फॉर्म द वेरियस टाइप्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स फाउंड इन द टिश्यूज, यानी डिफरेंस इन प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वो जब चेन्स कंबाइन होंगी तो उसके रिजल्ट में कोलेजन का स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर आप कोलेजन टाइप वन की बात करेंगे तो इसके अंदर पाई जाने वाली तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से दो ऐसी होंगी जो कि अल्फा वन होंगी और एक जो होगी वो अल्फा टू चेन होगी, यानी टाइप वन कोलेजन जो होगी उसके अंदर तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी जैसे कॉमन हमने कोलेजन में पढ़ा। इन तीन में से दो टाइप अल्फा वन होंगी और दूसरी चेन जो एक रह जाएगी दैट विल बी द अल्फा टू चेन, जबकि कोलेजन टाइप टू की बात करेंगे तो उसके अंदर तीनों की तीनों चेन जो होंगी वो अल्फा वन होंगी। द कोलेजन कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू द थ्री ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द बॉडी। अब हम कोलेजन को उसके फंक्शन और उसकी लोकेशन ऑफ द बॉडी की बेस पे तीन क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। द वन इज फेब्रल फॉर्मिंग कोलेजेंस, नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजेंस एंड द फेब्रल एसोसिएटेड कोलेजेंस। जो फेब्रल फॉर्मिंग कोलेजेंस हैं इसके अंदर टाइप वन टू थ्री आती हैं, ठीक है, एंड दे हैव द रोप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने अभी जो है ना वो डिस्क्राइब किया कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे वो आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, माइक्रोस्कोप जब हमने इसकी स्टडी की अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दीज लीनियर पॉलीमर्स ऑफ द फेब्रल्स हैव द करेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न रिफ्लेक्टिंग द रेगुलर स्टैगर्ड पैकिंग ऑफ द इंडिविजुअल कोलेजन मॉलिक्यूल्स इन द फेब्रल, ठीक है। यानी वो ये बता रहा है कि जब हमने अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोलेजन के मॉलिक्यूल को स्टडी किया तो जो हमारे पास ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन थी फेब्रल्स की इनकी एक करेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न था जो कि एक इंडिविजुअल कोलेजन मॉलिक्यूल के फेब्रल के अंदर पड़ा हुआ था। मतलब हर एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन की एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक थी, एक स्पेसिफिक जो था उसका बेंडिंग पैटर्न था। अच्छा जी, टाइप वन कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड इन द सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी वो एरियाज जहाँ पे आपका जो है वो एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट जो हो वो मतलब प्रीडोमिनेंट कर रहा हो तो फिर हमारे पास वहाँ पे कौन सी कोलेजन की टाइप पड़ी हुई होगी, टाइप वन कोलेजन प्रोटीन पड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल टेंडन या कॉर्निया वगैरह आ गया, जबकि टाइप टू कोलेजन जो होगी वो उन जगह पे पड़ी हुई होगी जहाँ पे आपका कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होगा, ठीक है। यानी कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर के अंदर टाइप टू और जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले स्ट्रक्चर्स होंगे वहाँ पे टाइप वन कोलेजन होगी, और अगर आप टाइप थ्री कोलेजन की बात करेंगे तो इट विल बी मोर इन द डिस्टेंसिबल टिश्यूज सच एज द ब्लड वेसल्स, ठीक हो गया। ये उसने लोकेशन बता दी हर एक की कि किस जगह पे कौन सी टाइप ऑफ कोलेजन प्रोटीन ज़्यादा पड़ी हुई होगी। द नेक्स्ट इज नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन, इस टाइप ऑफ कोलेजन प्रोटीन के अंदर हमने अभी फाइब्रिल्स देखे थे ना, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए फाइब्रिल्स थे, यहाँ पे प्रोटीन जो होगी यानी कोलेजन जो होगी वो क्या होगी, इंस्टेड ऑफ फाइबर्स इट विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मेशवर्क, ठीक है। यानी
आपका एक मैश की फॉर्म में पड़ी हुई होगी प्रोटीन ये वाली, और ये क्या बनाएगी, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देगी दैट कंटिन्यूज अ मेजर पार्ट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी एक शीट की तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी और वो कंटिन्यू करेगा टू द फॉर्मेशन ऑफ या कंट्रीब्यूट करेगा टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, अब उसने आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन का बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली हमारे पास एक थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट फॉर एडजेसेंट सेल्स एंड फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल फिल्ट्रेशन बैरियर टू द मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द ऑर्गन सच एज किडनी एंड लंग्स। बेसिकली यहाँ पे उसने बताया कि ये हमारे पास क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने में जो है वो इन्वॉल्व है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एक बैरियर होता है बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप बात करें के मतलब बॉडी की लेयर्स के अकॉर्डिंगली बात करें, तो फिर आउटर मोस्ट लाइनिंग या इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है वो किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू के बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू, और इन दोनों टिश्यूज़ के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है दैट मेम्ब्रेन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और वो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो मतलब टाइप 4 और टाइप 8 कोलेजन जो हैं ये मेशवर्क बनाते हैं। अच्छा जी, और ये किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर है, किडनी के अंदर। अब अगर इस कोलेजन प्रोटीन की सही से सिंथेसिस नहीं होगी तो किडनी का फंक्शन जो होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, और इसकी एबनॉर्मेलिटी में लीड टू डिजीज़ ESRD जिसको हम एंड स्टेज रिनल डिजीज़ बोलते हैं, और हेमेट्यूरिया भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, यानी ब्लड इन द यूरिया। द नेक्स्ट इज फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन्स, इसके अंदर टाइप 9 और टाइप जो है वो 12 आते हैं, जो कि आपकी बाइंड करते हैं सरफेस ऑफ कोलेजन फाइबर्स को विद द अदर, यानी ईच अदर, आपस में एक दूसरे के साथ, एंड विद द अदर कंपोनेंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी ये कम्युनिकेटिंग होंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग वाली फाइबर्स होंगी। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर क्या है कोलेजन प्रोटीन का। कोलेजन प्रोटीन जो है इट इज़ रिच इन प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, ये दो अमीनो एसिड्स हैं जिसके अंदर ये जो है ग्लाइकोजन प्रोटीन, सॉरी कोलेजन प्रोटीन, ये हमारे पास क्या है, अबंडेंट है। अगर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर याद हो तो हमने इसका जो है वो यूनिट स्ट्रक्चर पढ़ा था विच इज़ ग्लाइसिन एक्स एंड वाई। तो ग्लाइसिन मतलब कॉमन होगा, एक्स के केस में प्रोलीन या लाइसिन कॉमन होगा, और वाई के केस में दोनों हाइड्रो जो होंगे वो हाइड्रोक्सीलेटेड फॉर्म में होंगे, ठीक है, यानी हाइड्रोक्सीलेशन वो लाइसिन और ये प्रोलीन, ठीक है। ये क्या होंगे, किस में जाएंगे, वाई में आएंगे, यानी अगर आप बात करें तो हमारे पास पहला ग्लाइसिन आएगा, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, प्रोलीन या लाइसिन होगा, जबकि वाई के केस में ये हमारे पास हाइड्रोक्सीलेटेड प्रोलीन या लाइसिन होगा, ठीक है। और इसी तरह से ये एक यूनिट स्ट्रक्चर है, इसी की रेपिटेशन होती रहेगी और हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द कोलेजन प्रोटीन, अल्फा चेन। अच्छा जी, हमने पढ़ लिया कि हमारे पास प्रोलीन और ग्लाइसिन जो होता है वो अबंडेंट होती है। अच्छा जी, बोथ आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल स्टैंडर्ड हेलिक्स, यानी ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अगर आपको प्रोलीन का याद हो तो हमने कहा था कि बेसिकली प्रोलीन जो है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और ये क्या करती है, किंक प्रोड्यूस करती है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो यहाँ पे भी उसने ये बताया कि ये जो प्रोलीन है ये फैसिलिटेट करती है हेलिकल फॉर्मेशन ऑफ ईच अल्फा चेन बिकॉज इट्स रिंग स्ट्रक्चर कॉजेज द किंक इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट उसने कहा कि हमारे पास ग्लाइसिन जो है इट इज़ फाउंड इन एवरी थर्ड पोजिशन, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने कहा कि यही स्ट्रक्चर रिपीट होगा, तो आफ्टर एवरी 3 अमाइनो एसिड्स हमारे पास आने वाली जो अमाइनो एसिड होगी दैट विल बी द ग्लाइसिन, यानी आप दो अमाइनो एसिड को छोड़ेंगे तो तीसरी पोजीशन पर पड़ी हुई अमाइनो एसिड जो होगी वो ग्लाइसिन होगी। अच्छा जी, एक्स उसने कहा फ्रीक्वेंटली प्रोलीन हो सकती है, वाई हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो सकती है, या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन हो सकती है। और इस तरह से आपकी अल्फा चेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो रिपीट होता रहता है, द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। द अनलाइक मोस्ट ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स दैट आर फोल्डेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, द फाइब्रस प्रोटीन्स हैव एन एलोंगेटेड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है।
उसने डिफरेंस बताया कि हमारे पास जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, एक जो है वो एक फोल्डेड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं अपनी फोल्डिंग से, जबकि जो आपकी ये फाइब्रस प्रोटीन है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी। दिस हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है किस तरह से हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन। अभी हमने कहा कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास इस प्रोटीन के अंदर वाई की पोजीशन पे हाइड्रोक्सीलेटेड फॉर्म हो सकती है प्रोलीन की या लाइसिन की। बच्चा नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द अदर प्रोटीन। अच्छा जी, दीज रिजल्ट फ्रॉम द हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ सम ऑफ द प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज आफ्टर देयर इनकॉर्पोरेशन इन टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, मतलब जब आपका ये अमीनो एसिड प्रोलीन या लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर लग जाएंगे तो मतलब इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही इसकी क्या होगी, हाइड्रोक्सीलेशन होगी प्रोलीन की भी और लाइसिन की। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली दिस हाइड्रोक्सीलेशन इज द पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ये होती है कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के एंड पर जो प्रोटीन बनती है उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती हैं इन पर्टिकुलरली इन दोज ऑफ द प्रोटीन्स विच आर एक्स्ट्रा सेलुलर, जिन्होंने सेल्स के बाहर जाना होता है उनके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसको पैक करके सेल के बाहर भेजा जाता है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली दिस हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है ये मैक्सिमाइज करता है द इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शंस। ठीक है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन। एडिशनल स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स फॉर्म्ड बिटवीन द मॉडिफाइड लाइसाइल रेजिड्यूज बोथ विद इन एंड बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड तो इंटरचेन मतलब लिंकेज है, और इसके अलावा हमारे पास एक कोवेलेंट लिंकेज भी है जो कि बिटवीन एंड विद इन द चेन बन रहा है। द नेक्स्ट इज ग्लाइकोसाइलेशन, कि हमारे पास अब इस चेन की क्या होगी, ग्लाइकोसाइलेशन होगी यानी ग्लूकोज ऐड होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज जो है, इन दोनों में से कोई एक जो है वो ऐड होगा टू द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज द ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, कार्बोहाइड्रेट की एडिशन है टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस इस तरह से है कि यू ऑल नो कि हमारे पास जो सारा इंफॉर्मेशन होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो जेनेटिक कोड की फॉर्म में स्टोर की हुई होती है, डीएनए के पास पड़ी हुई होती है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने का जो प्रोसेस है दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए क्या होगा, अपना मैसेज जो है वो बताएगा और वो मैसेज मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में पड़ा हुआ होगा। अब मैसेंजर आरएनए पे पड़ा हुआ जो मैसेज है वो स्टेप बाय स्टेप, यानी एक से दो जो सीक्वेंस होगा उसको एक्सपोज करता रहेगा, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद ट्रांसफर आरएनए उससे रिलेटेड अमीनो एसिड ला के उस चेन के साथ अटैच करता रहेगा। ये ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है कि हमारे पास लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के पास स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट लगा होता है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए होता है और मैसेंजर आरएनए का सिर्फ वो वाला पोर्शन एक्सपोज होता है जो कि इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर पड़ा हुआ, ये एक्सपोज होंगे, बाकी सारे क्या होंगे इस टाइम ये एक्सपोज नहीं है क्योंकि कवर्ड है। अच्छा, अब ये एक्सपोज हुआ, यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब कौन सा सीक्वेंस पड़ा हुआ है। इससे रिलेटेड जो अमीनो एसिड होगा वो ट्रांसफर आरएनए के थ्रू लाया जाएगा, वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वो बनती रहेगी, मतलब ये आगे होता रहेगा, ये मतलब इसका अमीनो एसिड लग गया ये अब आगे चला जाएगा, ये वाला एक्सपोज होगा और इससे अगला एक्सपोज हो जाएगा सीक्वेंस, इस तरह से ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि कोलेजन की बनी हुई है, मतलब ये कोलेजन की पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा चेन है, और ये बेसिकली हमारे पास कहाँ पे बनती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर बनती है। यानी फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होगा उसका क्या कहते हैं ये
कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो पड़ा हुआ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होगा, उस सेल के अंदर पड़ा हुआ जो न्यूक्लियस है वहाँ से ये मैसेज मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में जाएगा फाइब्रोब्लास्ट के सेल राइबोसोम फाइब्रोब्लास्ट के अंदर पड़े हुए जो राइबोसोम्स होंगे वो क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बना देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज कि हमारे पास वो ये कहता है कि हमारे पास दे आर एंजाइमेटिकली मॉडिफाइड एंड फॉर्म द ट्रिपल हेलिक्स विच गेट्स सिक्रेटेड इन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अभी हमने सबसे पहले बात ये की थी कि जो हमारे पास इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन्स हैं दीज आर बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद इन्होंने क्या करना है, सेल के बाहर एक्सपोर्ट होना है, सेल के बाहर जाना है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होंगी, मॉडिफिकेशंस होंगी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन PTM, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास ये क्या होंगी, जब ये मॉडिफिकेशन के बाद सेल के बाहर चली जाएंगी तो वहाँ पे भी जो है वो जो कोलेजन मोनोमर्स होंगे वो एग्रीगेट करेंगे और वो एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकेज बनाएंगे और उसके रिजल्ट में कोलेजन फाइबर बन जाएंगे। ये उसने समरी बताई है सारे आगे जो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कोलेजन प्रोटीन जो है वो बनती है। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रो अल्फा चेन, ठीक है। अभी जो मैंने सारी बताई कि हमारे पास किस तरह से फाइब्रोब्लास्ट के अंदर पड़ा हुआ जो मैसेज है उसको डीकोड किया जाएगा, उसकी जो है वो उस मैसेज के अकॉर्डिंग उस मैसेज के ऑर्डर को फॉलो करते हुए एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी जाएगी, दैट पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज प्री प्रो अल्फा चेन्स। किधर है प्री प्रो अल्फा चेन्स। अच्छा जी, अभी किस तरह से बनी, उसी तरह से बनी कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए से मैसेज जो होगा वो एक्सपोज होगा और हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो मतलब अमीनो एसिड अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऐड अप होता रहेगा। अच्छा जी, अब पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसके कितने टर्मिनल होंगे, दो टर्मिनल एंड होंगे, एक एन टर्मिनल एंड होगा और एक सी टर्मिनल एंड होगा, जो आपके फ्री एंड होंगे ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन जिन्होंने लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व नहीं होना। बेसिकली इन दोनों टर्मिनल एंड्स में से जो एंड टर्मिनल एंड है वो क्या होता है, वो डिक्टेट कर रहा होता है कि अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होना है, जो एंड टर्मिनल है पॉलीपेप्टाइड चेन का उसने बताना होता है कि आया इसने अब क्या करना है, मतलब इस पॉलीपेप्टाइड चेन ने कहाँ जाना है। तो बेसिकली ये जो एंड टर्मिनल एंड है ये सीक्वेंस एक्ट करता है एज अ सिग्नल, ठीक है, दैट मतलब ये सिग्नल फिर क्या करेगा, मतलब डिटेक्ट किया जाएगा बाय द सेल, यानी ये सिग्नल बताएगा कि अब इस प्रोटीन ने पॉलीपेप्टाइड चेन ने जो है वो सिंथेसाइज हो गई है, इसने सेल से बाहर जाना है तो अब इसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये सिग्नल जो है वो दिस सिग्नल सीक्वेंस फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम्स टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डायरेक्ट्स द पैसेज ऑफ प्री प्रो अल्फा चेन इनटू द ल्यूमन ऑफ RER। राइबोसोम से प्री प्रो अल्फा चेन बन चुकी, अब इसका एंड टर्मिनल जो है वो इसको सिग्नल भेज रहा है कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन ने राइबोसोम्स से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर जाना है। अच्छा जी, अब जब ये दिस सिग्नल सीक्वेंस इज रैपिडली क्लीव्ड इन द RER टू यील्ड अ प्रीकर्सर ऑफ कोलेजन नोन एज प्रो अल्फा चेन। अब ये जो प्री प्रो अल्फा चेन थी जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगी तो इसका जो है सिग्नल को क्लीव कर दिया जाएगा और विद इन द ल्यूमन ऑफ द RER और वहाँ पे पहुँचने के बाद दिस प्रोटीन इज नाउ नोन एज प्रो अल्फा चेन, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि किस जगह पे प्रोटीन का क्या नाम था, शुरू जिससे हुई है ट्रांसलेशन वाली जो है दैट इज प्री प्रो अल्फा चेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी तो फिर प्रो अल्फा चेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर उसकी हाइड्रोक्सीलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन होगी और उसके बाद जो है उसकी मतलब असेंबली और सेक्रेशन हो जाएगी। अब बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशन क्या है कि अभी जो हमने चेन पढ़ी थी दैट इज द प्रो अल्फा चेन, जिसको हमने बोला था कि ये क्या है, प्रो अल्फा चेन है, after the entrance into the lumen of the rough endoplasmic reticulum। अच्छा जी, अब क्या है कि these are processed by a number of enzymic steps within the lumen of RER
वाइल द पॉलीपेप्टाइड्स आर स्टिल बीइंग सिंथेसाइज्ड, यानी राइबोसोम्स के अंदर अमाइनो एसिड्स जो चेन है वो सिंथेसाइज होती जा रही है और ल्यूमन के अंदर आने के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो वाई पोजीशन के अंदर प्रोलीन और लाइसिन पड़े हुए हैं वो बेसिकली हाइड्रोक्सीलेट होना शुरू हो जाएंगे टू फॉर्म द हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन रेजिड्यूज, और ये जिन एंजाइम्स के थ्रू होंगे, दीज एंजाइम्स आर प्रोलाइल हाइड्रोक्सीलेज एंड लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज, और इन एंजाइम्स को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं टू परफॉर्म देयर फंक्शन, दीज आर द मोलिक्यूलर ऑक्सीजन आयरन, यानी आपका आयरन आइन इन द फॉर्म ऑफ Fe+2 एंड द रिड्यूसिंग एजेंट द विटामिन सी। ये इम्पोर्टेंट MCQ है कि जो प्रोटीन है, सॉरी जो एंजाइम्स हैं फॉर द हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन, इनका जो फंक्शनिंग के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये पूछा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद उसने एक कंडीशन बताई है कि जिस केस में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, इस डेफिशिएंसी के रिजल्ट में प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सीलेशन नहीं होगी। हाइड्रोक्सीलेशन नहीं होगी तो इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे विद इन द चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे तो स्टेबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, स्टेबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आपकी क्रॉस लिंकेजेस नहीं बनेंगे बिटवीन द कोलेजन फाइब्रिल्स। अच्छा जी, जब वो कम होंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी, और जब स्ट्रेंथ कम होगी तो इट मीन्स वो जिस स्ट्रक्चर में पड़ी हुई थी वो स्ट्रक्चर लूज होगा, स्किन में पड़ी स्किन की कोलेजन की होगी तो स्किन लूज होना शुरू हो जाएगी, ब्लड वेसल्स की बात करोगे तो ब्लड वेसल्स लूज होंगी। ठीक है, अच्छा जी, इस कंडीशन को उसने क्या बोला है कि दिस इज द स्कर्वी कंडीशन, डिजीज है जिसके अंदर कोलेजन जो है वो अब इतनी इलास्टिक नहीं होती, इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस नहीं करती। पेशेंट्स विद द विटामिन सी डेफिशिएंसी आर आल्सो ऑफन शो ब्रूजेस ऑन देयर लिम्ब्स एज अ रिजल्ट ऑफ सबक्यूटेनियस एक्सट्रावाजेशन ऑफ द ब्लड ड्यू टू द कैपिलरी फ्रेजिलिटी। मतलब जिनके पास, ऐसे लोग जिनके पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी है उनके स्किन पे ब्रूजेस होते हैं, दीज ब्रूजेस आर ड्यू टू सबक्यूटेनियस, आपकी जो स्किन के नीचे पड़ी हुई ब्लड वेसल्स हैं उनके डैमेज की वजह से होता है, क्योंकि उनकी कैपिलरीज जो होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, उनकी फ्रेजिलिटी जो होती है वो ईजिली ब्लड जो होता है वो लीक करना शुरू हो जाता है फ्रॉम द वेसल्स। द नेक्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोसाइलेशन, के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड किया जाएगा टू द हाइड्रोक्सी लाइसिन रेजिड्यू। ठीक है, यानी या तो ग्लूकोज होगा या फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज आपका मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा टू द हाइड्रोक्सीलाइसिन रेजिड्यू। अच्छा जी, अब एडिशन हो गई, अब इसने असेंबली एंड सिक्रीशन होना। आफ्टर द हाइड्रोक्सीलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन दीज थ्री प्रो अल्फा चेन्स फॉर्म द प्रो कोलेजन। ठीक है, अब इनको हमने क्या बोलना है, प्रो कोलेजन विच इज द प्रिकर्सर ऑफ द कोलेजन। अच्छा जी, अब ये क्या करना है, दैट हैज अ सेंट्रल रीजन ऑफ द ट्रिपल हेलिक्स फ्लैंक्ड बाय द नॉन हेलिकल अमाइनो एसिड कार्बोक्सिल टर्मिनल एक्सटेंशन कॉल्ड द प्रोपेप्टाइड्स। इसको बेशक आप मतलब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो बात याद रखने वाली है कि इस टाइम जब मतलब हाइड्रोक्सीलेशन हो गई, ग्लाइकोसाइलेशन हो गई, तो अब हमने उस प्रो अल्फा अमाइनो एसिड को प्रो कोलेजन बोलना है। यहाँ पे जो बेसिकली काम है वो ये है कि फाइबर्स के बीच में, अगर आप अपनी लिपन कोड की बुक में जाएंगे तो वहाँ पे एक जो इसकी डायग्राम है बेसिकली 4.7 डायग्राम, उसमें उसने ये दिखाया हुआ है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके दरमियान क्या बन गया, लिंकेज बनना शुरू हो गया, जबकि इसके एंड्स जो होंगे वो क्या है, खुले हुए हैं। ठीक है, यानी उनके दरमियान इस तरह से वो फोल्डिंग नहीं हुई। द नॉन हेलिकल अमाइनो एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल एक्सटेंशन आर कॉल्ड द प्रोपेप्टाइड। सपोज दिस इज द चेन। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मिड पोर्शन होगा ये क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, जबकि इसके एंड्स जो होंगे ये एक्सटेंशन में होंगे, मतलब ये कॉइल फॉर्म में नहीं होंगे, हेलिकल फॉर्म में नहीं होंगे। दीज आर कॉल्ड द प्रोपेप्टाइड्स, और इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, प्रो कोलेजन बोल रहे हैं। अब दिस प्रो कोलेजन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ इंटरचेन
डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन द सी टर्मिनल एक्सटेंशंस ऑफ द प्रो अल्फा चेन्स. जो प्रो अल्फा चेन्स बनी थी आर ई आर के ल्यूमेन के अंदर, अब उसके बीच में क्या बनना शुरू हो गया, इंटरचेन डाइसल्फाइड लिंकेज बनना शुरू हो गया. और दिस विल ब्रिंग द थ्री अल्फा चेन्स इन टू द अलाइनमेंट फेवरेबल फॉर द हेलिक्स फॉर्मेशन. मतलब इसकी अलाइनमेंट के रिजल्ट में, इसकी अलाइनमेंट जो है, इट विल रिजल्ट इन द हेलिक फॉर्मेशन. अब ये प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल जो है वो मूव किया जाएगा टू द गोल्जी अपरेटस, वहाँ पे इसकी पैकिंग होगी, सिक्रेटरी वेजिकल बनेगा, वो सिक्रेटरी वेजिकल जो होगा फ्यूज कर जाएगा विद द सेल मेम्ब्रेन और एक्सक्रीट कर दिया जाएगा आउट ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल. अब ये सारी मतलब सिंथेसिस के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आरएनए ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन बनेगी, प्री प्रो कोलेजन बनेगा. प्री प्रो कोलेजन के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा, वहाँ से बनने वाली चेंज होगी वो अल्फा प्रो अल्फा कोलेजन होगा, वो फिर इन मतलब मॉडिफाई होगी इनटू द प्रो कोलेजन. प्रो कोलेजन के बाद इसकी मॉडिफिकेशन होगी, पैक किया जाएगा सिक्रेटरी वेजिकल की फॉर्म में, वो फ्यूज़ करेगा विद दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और वहाँ पे फिर इसकी मॉडिफिकेशन होगी और मतलब इसके जो एंड्स होंगे, टर्मिनल एंड्स जिसको हमने प्रो पॉलीपेप्टाइड्स बोला था, वो कट कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स और इस तरह से इसकी आपस में क्रॉस लिंकेजेस बनेगी और कोलेजन सिंथेसिस कोलेजन जो होगी वो फंक्शनली एक्टिव हो जाएगी. अब क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्लेवेज ऑफ द प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल्स After they are released into the extracellular spaces, the procollagen molecules are cleaved by the N and C procollagen peptidases. यानी ये वो enzymes हैं जो इन terminal ends को cut करेंगे और release कर देंगे the triple helical topocollagen molecule. बाहर जब आई थी that will be the procollagen जिसके दोनों terminal ends भी थे. फिर इन एंड्स को एक पेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू कट किया गया एंड देन इट इज नोन एज द ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल. अब क्या करेंगे कि जो ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है मतलब एक कोलेजन फाइब्रिल्स बनाना शुरू करेंगे. वो किस तरह से कि आपके ये जो ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं ये एक ऑर्डर्ड वे में ओवरलैप करना शुरू कर देंगे और एक पैरेलल एरे बनाना शुरू कर देंगे जिसके अंदर आपका जो है वो ईच ऑफ द नेबरिंग कोलेजन फाइबर जो होगा वो ओवरलैप किया हुआ पड़ा हुआ होगा बाई इट्स लेंथ अप्रॉक्सीमेटली थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक है, यानी सिंपली जो कोलेजन फाइबर्स होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो ट्रोपो कोलेजन है वो बेसिकली अरेंज होना शुरू हो जाएगा इन अ पैरेलल एरे. ठीक है, पैरेलल फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद मतलब इसकी अरेंजमेंट के रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेंगे दैट इज द कोलेजन फाइब्रिल. अब इन फाइब्रिल्स की क्रॉस लिंकेजेस होगी. ठीक है, बाय एन एंजाइम नोन एज लाइसाइल ऑक्सीडेज. ये बेसिकली एंजाइम जो है वो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है. ये क्या करेगा, डी अमाइनेशन करेगा सम ऑफ द लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन रेजिड्यूज इन द कोलेजन. अमाइनो एसिड को कट करना शुरू कर देगा, हाइड्रोक्सीलाइसिन और लाइसिन रेजिड्यूज को कोलेजन प्रोटीन के अंदर पड़ेगा. अच्छा जी, द रिएक्टिव एल्डिहाइड्स दैट रिजल्ट कैन कंडेंस विद द लाइसिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन रेजिड्यूज इन द नेबरिंग कोलेजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द कोवेलेंट लिंकेजेस. अब क्या हुआ कि डीमाइनेशन के बाद ये जो आपके पीछे बच जाने वाले रेजिड्यूज थे दे विल कंडेंस विद द लाइसिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन रेजिड्यूज जो इसके साथ पड़ा हुआ कोलेजन का मॉलिक्यूल था. यानी एक यहाँ पे पड़ा हुआ होगा और एक अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसके क्या होंगे, डीएमाइनेशन होने शुरू हो जाएगी और ये आपस में क्या बनाना शुरू कर देंगे, लिंकेज बनाना शुरू कर देंगे और इस तरह से क्रिस क्रॉस वे में कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और एक मेच्योर कोलेजन फाइबर जो होगा वो बनना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट उसने बताया कि लाइसिल ऑक्सीडेज जो है वो हमारे पास वन ऑफ द सेवरल कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स है और ये अदर्स इंक्लूड द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यानी दूसरे एंजाइम्स जिसके अंदर ये कॉपर जो होगा वो पड़ा होगा. दीज आर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, डोपामिन हाइड्रोक्सीलेज, सुपर ऑक्सीडेज, डाइम्यूटेजिस और हमारे पास टायरोसिनेजिस.
अब किसी तरह से कॉपर की होम्योस्टेसिस में डिस्टर्बन आनी शुरू हो गई है, डिस्टर्ब हो गया वो सारा होम्योस्टेसिस, तो दिस विल लीड टू द कॉपर डेफिशिएंसी, ठीक है। और कॉपर डेफिशिएंसी के रिजल्ट में हमारे पास डिजीज़ आती है ओवर लिंक्ड मैनकेंस डिजीज़, और ओवरलोड के रिजल्ट में आती है विल्सन डिजीज़। यानी कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई है तो डिजीज़ विल बी द एक्स लिंक्ड मैनकेंस डिजीज़, और अगर उसका एफिशिएंसी हो गई है ज़्यादा हो गया तो विल्सन डिजीज़। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन। नॉर्मली कोलेजन जो है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी उसका जो है एक लाइफ स्पैन के बाद उसने डिग्रेड होना है, ठीक है, और मतलब न्यू आनी है, ठीक है। इट मे आइदर इन द फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ और इंजरी ऑफ द टिश्यू। अब किस तरह से ब्रेक डाउन किया जाएगा, बाय द प्रोटियोलिटिक एक्शन ऑफ द कोलेजिनेसिस, ठीक है। कोलेजिनेसिस एंजाइम्स हैं जो कि आपकी कोलेजिन के प्रोटीन फाइबर्स को क्या कर देगी, डिग्रेड कर देगी। अच्छा जी, वो उसने बताया कि हमारे पास क्या है, मेटेलो प्रोटीनेजेस हैं, यानी मेटल कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। फोर टाइप वन कोलेजिन, द क्लेविज साइट इज स्पेसिफिक, जनरेटिंग द 3/4 and 1/4 लेंथ फ्रेगमेंट्स। यानी टाइप वन कोलेजिन के केस में जो एंजाइम है वो क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा, ठीक है। उसकी क्लेविज साइट जो होगी वो स्पेसिफिक होगी, और वो किस तरह से काटेगा, 3/4 लेंथ और 1/4 लेंथ के फ्रेगमेंट्स में काटेगा। दीज फ्रेगमेंट्स आर फर्दर डिग्रेडेड बाई द अदर मैट्रिक्स प्रोटीनेजेस। द नेक्स्ट प्रोटीन इज इलास्टिन, इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, बट इन कंट्रास्ट टू द कोलेजिन, इसके जो फाइबर्स होंगे मतलब कोलेजिन के फाइबर्स जो हैं वो टफ और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो इलास्टिन के फाइबर्स होंगे वो इलास्टिसिटी इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, एज रिफ्लेक्टेड बाई द नेम के इलास्टिक फाइबर्स हैं तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसने बताया कि दीज फाइबर्स कैन बी स्ट्रेच्ड टू सेवरल टाइम्स बट देयर सेवरल टाइम्स फ्रॉम देयर नॉर्मल लेंथ बट रिकॉइल टू देयर ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिलैक्स्ड। यानी ये अपने ओरिजिनल लेंथ से मैनी ऑफ द फोर्स इंक्रीज कर सकते हैं अंडर द स्ट्रेस, लेकिन जब आप उसको रिलीज करेंगे मतलब आप स्ट्रेस को हटा देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। इनसोलेबल प्रोटीन है, दिस पॉलीमर सिंथेसाइज फ्रॉम द प्रिकर्सर नोन एज ट्रोपोइलास्टिन, ठीक है। इसका भी जो प्रिकर्सर होगा जहाँ से ये बनेगी, दैट इज द ट्रोपोइलास्टिन प्रोटीन विच इज़ द लीनियर पॉलीपेप्टाइड कंज्यूम्ड ऑफ अबाउट 400 अमीनो एसिड। ये जो ट्रोपोइलास्टिन है ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, 700 अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। अच्छा जी, दैट आर प्राइमरली स्मॉल एंड नॉन पोलर, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन एंड वेलिन। इलास्टिन इज ऑल्सो रिच इन प्रोलीन एंड लाइसिन बट कंटेन्स द स्कैंट हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड द हाइड्रोक्सी लाइसिन। मतलब कोलेजिन के फाइबर की तरह जो इलास्टिन प्रोटीन है उसके अंदर प्रोलीन और लाइसिन रिच क्वान्टिटी के अंदर है, लेकिन कोलेजिन की ही तरह इनके पास हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन कम क्वान्टिटी के अंदर पड़े हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास ट्रोपोइलास्टिन जो होगा वो सिक्रीट किया जाएगा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वेयर इट इंटरैक्ट्स विद द स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन माइक्रोफाइब्रिल सच एज फाइब्रिलिन विच फंक्शन एज अ स्केफोल्ड फॉर ऑन टू विच द ट्रोपोइलास्टिन इज डिपॉजिटेड, ठीक है। यानी अब ये ट्रोपोइलास्टिन सेल से सिक्रीट किया जाएगा और बाहर पड़े हुए एक ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रिलिन के साथ ये क्या करेगा मतलब स्केफोल्ड करेगा ऑन टू विच द ट्रोपोइलास्टिन इज डिपॉजिटेड। अच्छा, सम ऑफ द लाइसाइल साइड चेन्स ऑफ द ट्रोपोइलास्टिन पॉलीपेप्टाइड्स आर ऑक्सीडेटिवली डीएमाइनेटेड। जैसे हमारे पास उसके कोलेजिन की प्रोटीन के साथ हुआ था कि लाइसाइल जो साइड्स थी वो कट हुई थी, डीएमाइनेशन हुई थी, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन है ये ट्रोपोइलास्टिन उससे भी क्या होगा, डीएमाइनेशन होगी, ठीक है। और ये डीएमाइनेशन जो होगी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोसिन क्रॉस लिंकेजेस, ठीक है। इसके जो क्रॉस लिंकेजेस हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोसिन। दिस प्रोड्यूसेस इलास्टिन एंड एक्सटेंसिव इंटरकनेक्टेड रबरी नेटवर्क दैट कैन स्ट्रेच एंड बेंड इन एनी ऑफ द डायरेक्शन व्हेन स्ट्रेस्ड, ठीक है। यानी इसकी इस अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स की वजह से जो
स्ट्रेचबिलिटी प्रॉपर्टी है इलास्टिन फाइबर्स के अंदर वो आती है। अच्छा, म्यूटेशंस इन द फिब्रिलिन वन प्रोटीन कैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, अब उसने एक कंडीशन बता दी जिसके अंदर हमारे पास इस प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आई हुई है, यानी ये प्रोटीन जो है वो सही नहीं बनी हुई, इसके रिजल्ट में हमारे पास ये फिब्रिलिन प्रोटीन जो थी उसने ट्रोपोइलास्टिन फिलामेंट्स के साथ मतलब वो करना था, स्ट्रक्चर बनाना था, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बनाना था, जिसके रिजल्ट में जो प्रॉपर फंक्शनल माइक्रोफिब्रिल यूनिट बनना था वो नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो इलास्टिन प्रोटीन सही नहीं बनेगी और उसका जो फंक्शन होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। दिस इज अबाउट कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स। ये हमारा फाइबरस प्रोटीन का चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया, और कल इंशाल्लाह हम ग्लाइकोप्रोटीन करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।